चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। हम प्रॉफिट लॉस चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था? प्रॉफिट लॉस, जिसमें हमने 91 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आपकी आज्ञा के अनुसार हम 92 स्टार्ट कर देते हैं। कर दें? किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से नहीं, तुम्हारी आज्ञा से। तुम सब इंटेलिजेंट हो यार। चलिए स्टार्ट कर देते हैं 92 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको फिर एक बीच में एक दो दिन की छुट्टी भी मिलेगी, फेस्टिवल सीजन चल रहा है दिवाली का, 2 से 3 दिन तो चाहिए चाहिए मिनिमम आप लोगों को, साल में एक फेस्टिवल आता है। तो भैया 92 क्वेश्चन जल्दी से मिल जा, बहुत जल्दी से। चले 92 क्वेश्चन मिल गया हमको। चलो क्वेश्चन ये है भैया, अ पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल, ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड 10% लॉस, आपके पास है देख लो क्वेश्चन को, एंड थर्ड 25% लॉस इन सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल, सेलिंग प्राइस इक्वल है दो सबका, यानी SP सेम है। फिर भैया आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है एंड ओवरऑल लॉस इन रुपीज 60, देन फाइंड द CPO फर्स्ट आर्टिकल। माँ घटिया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन SSC अगर पूछने लग गई, मेंस का क्वेश्चन बताया गया 17 का, लेकिन मुझे प्री का भी नहीं लगता है। तीन वस्तुएं बेची उसने, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, एक तो अभी है CP कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। 20% का मतलब कितना होता है? अरे कितना होता है? 5 की चीज़ कितने में बेचेगा वो? 1 जुड़ जाएगा, क्लियर है। और दूसरी वस्तु उसने 10% हानि, 10 का मतलब यानी 10 की चीज़ हानि कितने में? 9 में। ये दूसरी चीज़ है, पहली, दूसरी और तीसरी। और तीसरी 25% लॉस, 1/4 की चीज़। SP सेम है, क्या है SP सेम का मतलब? इन सबको 3 से गुणा कर दे, मतलब 18 कर दे LCM के लिए, तो क्या सेम हो जाएगा क्या 18 में? जब इसको 3 से गए तो इसको भी, इसको 2 से गए तो इसको भी, इसको 6 से गए तो इसको भी। कोई वस्तु 15 में खरीदी, 16 में बेची, 18 में बेची, भाई 5 × 3 = 15, और बेची किस में, तो कितने का प्रॉफिट? कोई वस्तु 20 में खरीदी, कितने में बेची, कितने का लॉस? कोई वस्तु 24 में खरीदी, कितने में बेची, कितने का लॉस? टोटल लॉस 5। और क्वेश्चन में टोटल लॉस कितने का बोला है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 12, और 1 यूनिट की वैल्यू 12, पूछा क्या है? फर्स्ट का CP कितना? CP फर्स्ट का 15 की वैल्यू। सवाल का उत्तर ये भी नहीं आया तुम लोगों को, है भैया आनंद? ये भी नहीं आया है, गधो। निकालें क्या इसने? घटिया घटिया क्वेश्चन में मेरे से करे, सर आप करा दो। शिवम तेरे से उम्मीद नहीं थी मुझे, ये तभी तो कह रहा हूँ तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू करना चाहिए तेरे को यार। एक ही लड़का है ब्राह्मण है, जिसकी बुद्धि 52 से भी 104 है। ब्राह्मण तो बहुत सारे, लेकिन इंटेलिजेंट एक ही है।
और नाम भी भगवान शिव के नाम पे रखा हुआ था यार, बता दें। चलो 93 देखो एक बार आप लोग, कोशिश किया करो एक सेकंड जब तक हम पढ़ते हैं तब तक, फिर हम बता देंगे भैया नहीं आएगा तो, क्लियर बोल देना नहीं आ रहा है तो। 93 कह रहा हूँ भैया, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड ही सोल्ड 40% आर्टिकल एट MRP एंड 50% रिमेनिंग विथ 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग विथ 20% डिस्काउंट 5% प्रॉफिट। एक व्यक्ति अपने सामान की कीमत 30% अधिक अंकित करता है और 40% सामान को MRP पर बेचता है, शेष का 50% 10% बट्टे के साथ और बचे हुए को 20% बट्टे के साथ बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? और अगली क्लास में जब भी आप आओ कोई भी एक दिन वीक का सिलेक्ट कर लो ना, चाहे भी से कर लो, चाहे जो आपका फेस्टिवल दीपावली है 2-3 दिन उसके बाद कर लेना, आप एक 28 के 29 या 30 मैप खरीद के ले आओगे, एक मैप एक क्लास में करवा दिया करूँगा, या तो वीक में 2 दिन कर लो, उस राज्य के अंदर पूरा मैप में बताऊँगा कौन सा पर्वत, हर स्टेट में बताऊँगा, जैसे एक दिन ऊपर का जम्मू उठवा लिया, एक दिन बिहार, एक दिन राजस्थान, कितने पर्वत है, कौन सा पर्वत कौन सी जगह, कौन सी चोटी सबसे ऊँची, कौन सा पक्षी है, कौन सा डांस है, उसमें ग्राफ में मैप में बता दूँगा सारा, उसमें मैप में लिख लेना साइड में, ठीक है? फिर आपकी हम GK स्टार्ट करेंगे जब आपको मैप आ जाएंगे सारे, जब मैं पढ़ाऊँगा दिक्कत होगी, फिर हम आपको GK भी स्टार्ट करेंगे आपकी करंट अफेयर के साथ रिलेट करके बताएंगे। वट एवर, जो भी अच्छा लगे, जहाँ स्टेट में लिख सकते हो ज़्यादा। आया भाई? हाँ भैया, तुसी ग्रेट हो। देखो CP कितना है भैया, 100, तो MRP से 30 ज़्यादा अंकित करता है तो कितना करेगा, इसका 40% कितना होगा भैया, 13×52, 40% ले लिया, 40% मतलब 130 में से 52 ले लिया, तो बचा कितना, इस बचे हुए का 50% कितना होगा, और बच गया कितना, ये तो जिस परसेंट पे लिया था उसी पे दे रहा है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको कितने परसेंट डिस्काउंट, 10% होगा, 3.9 घटाएंगे तो ये डिस्काउंट है, और इसको कितना बोला है, 20% डिस्काउंट, 20% घटाएंगे तो 39 का गुना 7.8, 7.8 घटाएंगे तो 31.2, 20% डिस्काउंट, तो टोटल कितना हो गया जोड़ेंगे तो, 100 की चीज आपने कितने में बेची है, कितना प्रॉफिट हो गया, खत्म। ये मेंस के क्वेश्चन है, 100 की चीज पर आपने 30 रुपये पहले ही बढ़ा दिए, 100 रुपये के रसगुल्ले थे, एक हलवाई बेचता है, उसने 30 रुपये पहले बढ़ा लिए थे, कितने रुपये किलो बेचेगा, 130 रुपये पहले बढ़ा के बता दिए 100 की चीज़ के, और कहता भैया तू मेरे शिवम मेरी क्लास में पढ़ता है, एक काम कर 40% तो तेरे को ऐसी रेट में दे दिया कोई, हाँ जितने में खरीदा उसी रेट पे 130 का दिया है MRP का, कहता भाई इसने का खरीद के लाऊं, लेकिन बढ़ा के दे रहा है वही चीज़ है, बेकू बना रहा है। कोई दूसरा दोस्त आया, कहते यार इसका 50% जो बच गया उसका 50%, कहता तू थोड़ा सा कास है तो सर मेरे बगल में बैठते, तेरे को 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है यार कोमल तू थोड़ी इंटेलिजेंस है कि तू भी मेरे बगल में बैठ के 10% 20% तेरे को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। टोटल डिस्काउंट देने के बाद ये चीज़ टोटल कितना जोड़ बना, और 100 की चीज़ इतने में दे रहा था, कितना प्रॉफिट कमा लिया, दैट्स इट, दैट इज आंसर। तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो क्या बताएं। और कहते हैं ये क्वेश्चन भी अगर तुम लोगों से नहीं आ रहे थे तो इसका मतलब पढ़ाने वाले के अंदर कमी नहीं, पढ़ने वालों के अंदर कमी है नालायक, तुम तो पेपर में क्या करोगे फिर, और CHSL के फॉर्म भर दिए हैं, 100 से कितना ज़्यादा है यार नालायक। इसका 50% कितना होता है, बच्चे वे का 50% बचा कितना, 78 का आधा कितना होगा, बचा फिर 39 हो गया नालायक। पांडे जी क्या करोगे, ना कटवाएंगे हम पेपर में तो, का भैया
कटवाओगे? मारेंगे हम पकड़ के तुमको। सतेंद्र स्मार्ट लग रहा है भाई, क्या जैकेट वैकेट डाल गया आज तो यार, क्या बात है। आज तो शिवम की जरा स्मार्ट लग रहा तू भी, शिवम तो हर क्लास में लगता है। फिर चलिए 94 पे आते हैं। क्या कह रहा है 94? द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू द लॉस इनक्योर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹448। व्हाट शुड बी द सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट? किसी वस्तु को 832 में बेचने पर जो लाभ होता है, वही उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। ठीक है, 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बताओ। अरे इतना घटिया क्वेश्चन, अरे तेरे का डूब मर भाई। भाई विकास ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए एसएससी में। अब ये मत बोला ये भी नहीं कराया मैंने, सेम क्वेश्चन सेम डाटा पीछे कराया हुआ है। डूमर कहीं जगह मिले तो गंदा नाला वाला आसपास, नाम मेरा मत लिखियो नाला को। आया देखो, आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर वही लाभ होता है जो 448 में बेचने पर हानि। अगर हम 448 में बेचते तो क्या होता है हमें लॉस, और 832 बेचते हैं तो उतना ही प्रॉफिट होता है। यानी लॉस और प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 1:1। यानी इनके बीच में कोई संख्या ऐसी होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी, जो इसमें से घटाएंगे तो बराबर, इसमें से घटाएंगे बराबर, रेशियो एक एक का होगा क्योंकि बराबर बोला गया। तो इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 1200 448 832 का जोड़ कितना आ रहा है और रेशियो कितना है? तो इन दोनों के बीच में वो नंबर था वो कितना था वो, यानी 640 वो संख्या है, उसको अगर इसमें से घटाओगे तो भी उतना ही लॉस होगा और इसमें जोड़ोगे तो उतना ही प्रॉफिट होगा। फिर बोला अगर इसका 50% लेना हो, इसका 50% प्रॉफिट लेना, तो 50% प्रॉफिट का मतलब तो 640 का 150% होता है कितना, 300, यही होता नहीं 960। कितना घटिया क्वेश्चन, कुछ नहीं था, तुम पढ़ते नहीं हो घर पे, ध्यान कहीं और होता है बेटा, सिलेक्शन भी कहीं और ही होगा फिर, और हर स्टेट की नौकरी भरो, हम यूपी की नहीं भरेंगे, हरियाणा की नहीं भरेंगे, जहाँ की मिलती वहाँ की भरो, ठीक है, अंडमान निकोबार की भी भरो, काला पानी की भी भरो, एग्जाम सेंटर दिल्ली का डालो, कैसे देना है, चलो अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन हो रहा है, कैसे देने जाएंगे नालायक। क्वेश्चन भी ऐसा पूछता है जिसके सर पैर नहीं है। बता दें 95। देखो नाइन्टी फाइव कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹628 इज 20 times टू द प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1069। व्हाट शुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल?
किसी वस्तु को 628 में बेचने पर जो हानि होती है, लिख ले, वह उसी वस्तु को 1069 में बेचने पर उसका 20 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? भाई बता दो। क्या पांडे जी, श्याम शुक्ला देखो इतना टाइम नहीं होता। किसी वस्तु को 628 में बेचने पर जो लॉस होगा, उसी वस्तु को कितने में, 1069 में बेचने पर जो प्रॉफिट होगा, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, उसका लाभ 20 गुना होगा। तो यानी 20 गुना का मतलब भैया ये 1 रुपया होगा, तो ये तो आप जब भी सिंगल सेम सेम होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेम सेम था, तो जोड़ के 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, क्या था 94 वाला, 432 रेशो 1:1 था। तो आप इन दोनों का गैप निकालो, 12 में 60 गए 4 और 12 में 4 गए 7 में 4 गए, 2 से इसको डिवाइड करो। देखो 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दून 4, या तो 192 इसमें जोड़ दो, 192 इसमें घटा दो, वैल्यू आ जाती है। तो अब सेम क्वेश्चन इसी में लगाओ, देखो 20 और 1, ये तो 21 हो गया, इन दोनों का गैप निकालो कितना हो गया 400, तो 1 की वैल्यू कितनी यूनिट हो गई, 21 से काटेंगे तो 21 यूनिट हो गई ना, तो 21 गुना 1 करेंगे 21, और 21 गुना 20 करेंगे 420, या तो इसमें 21 जोड़ दो, 628 में अगर 21 जोड़ते तो कितना होता है 640, क्योंकि 1 था यहाँ पे, या फिर 21 गुना 20 कितना होता है, या इसमें से 420 कटा होता है। आंसर नहीं बदलेगा आपका, दैट इज आंसर। क्लियर है बेटा? मैंने कहा 1:20, 20 गुना तभी होगा, दोनों को जोड़ा 21, तो बेटा दोनों का गैप कितना था, 21 की वैल्यू 440, 1 की वैल्यू तो 1 की 21, जिसमें आपके पास मान लो कुछ रुपए, उसमें 21 रुपए की हानि है, तो आपको 21 और दे दो, प्रॉफिट बराबर हो जाएगी ना लॉस ना हानि। या फिर 21 गुना 20 कितना होता है, या इसमें से 420 कम कर दो तो बराबर हो जाएगा। चाहिए उत्तर मानो, चाहिए उत्तर मानो, बात तो एक ही है, ठीक है। आप किसी को बोलो मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तो भी आंसर वही। किसी से बोलो मेरे होने वाले बेटे से अपनी चिता में आग लगवाएगी, तो भी बात वही है, है ना? बिल्कुल समझदार होगी तो कोई, जिसने रीजनिंग नहीं पढ़ी गई कि क्या बोला पता नहीं चल। कभी तो चीनी लड़की से जाके बोल रहे चू चा चा ची ची, 96 की बात करते। अब मुझे लगता 90 ये तो कराने की जरूरत है, 96 सेम क्वेश्चन है, क्या रहा है, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर जो लाभ होता है, उसी वस्तु को 600 में बेचने पर उसकी हानि दुगना होती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि 40% का लाभ चाहिए? कितना लाभ चाहिए, 40% का, 600 में बेचने पर जो हानि होती है और 900 में बेचने पर क्या होता है, तो दुगना होती है, तो 2 और 1 दोनों में अंतर भैया, तो 1 की वैल्यू 100, 1 की 100, 100 गुना 2 चाहिए तो 200 आप जोड़ दो, क्योंकि हानि में जोड़ेंगे हम, और 100 गुना 1
चाहे भैया 100 घटा दो क्योंकि प्रॉफिट से घटाएंगे तो भी 800, और कितना परसेंट प्रॉफिट मारना है इसका, तो 800 का 140%। हानि पूछता 100 में घटा देते तो कितना आ जाएगा, 8 × 32 320 जोड़ देंगे तो 1120। सवाल का उत्तर क्या नहीं है, क्या होना चाहिए यदि 40% का लाभ चाहिए। अच्छा उल्टा पढ़ दिया हमने, कोई बात नहीं, इसको रिवर्स कर लेते हैं, हम ठीक कर लेते हैं। तो कितना होना चाहिए, यहाँ एक था यहाँ दो था, कोई बात नहीं, कितना आया, तीन की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 100 × 1 करेंगे तो 100 यहाँ जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भैया, 100 × 2 तो 200 घटाएंगे तो भी चीज़ें बदलेंगे नहीं, और 700 का 40% तो 140% होगा, तो कितना होगा 40 × 14 = 7 तो 980। क्लियर है, देख लो इसको। नौ सौ अस्सी तो है ऑप्शन में, बस तो फिर काहे दिक्कत कर, हो जाता भाई ध्यान इधर उधर का, बालक हम भी यार। ये है असली क्वेश्चन जिसको बोला जाता है 97, ये रूल आएगा क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन 5-स्टार क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन ये होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आज के टाइम में, आजकल ये पहली बार आया है, आगे भी आएगा क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल उठ गया है मामला। 97 कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट इफ इट्स सीपी एंड एसपी आर इंक्रीज बाय रुपीज 32 and 12, कितना 32 and 12 बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ 40% कम हो जाता है, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज 40%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 32 और 12 रुपये बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ 40% कम हो जाता है, कितना हो जाता है, यानी 50 से 40 कम होगा तो 10% रह जाता है, इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो क्रय मूल्य निकाले, बताओ शाबाश। चलो हम बता दें, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, 96 ऑप्शन में नहीं है, मतलब गलत आ रहा है, कह रहा हूँ मेरे ऑप्शन में नहीं है ना, बता दें। देखो इसको हम एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है, 50% का मतलब ये कोई सीपी किसी चीज का 2 रुपए है तो भैया उसका एसपी कितना होना चाहिए, 3 रुपये होगा ना, प्रॉफिट हो गया ना दो की चीज़। आगे क्या कह रहा है, अब आगे रुपये में बढ़ा रहा है, जब भी एक चीज़ परसेंटेज में एक रुपये में दे रहा होगा उसके आप कुछ ना कुछ मान लेना इसके साथ, इसमें कितना बढ़ा रहा है 32 बढ़ा रहा है, मैंने एक्स इसलिए लगाया भाई रेशियो में है
क्योंकि ये परसेंटेज की चीज़ थी और रुपए की, अगर हम 32,000 जोड़ते 34,000 होता क्वेश्चन गलत हो जाता फिर हमारा, तो 2x प्लस कितना होगा और यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे घटा रहे, बढ़ा रहे। तो उसके बाद क्या बोला है, 40% कम, पहले कितना था 50% था, 40% कम, 50 में 40 गए तो लाभ हमेशा किस पर होगा, तो 10% का मतलब 10 की चीज 11 में बेचेगा, 1/10 होगा तो, और एसपी तो सेम ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। पहले इसको सोल आउट कर लेते हम, इसको 10 ही ले लेते कोई बात नहीं, 10 इधर ठोक देंगे हम, 11 दुनी 22 और 11 3 33 और 2 10 इधर ठोकेंगे तो प्लस 30 में से 22 गया तो, और 352 में से 120 गया 232, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 3 8 2 8 9 x 29 आया। लेकिन पूछा क्या इसमें सीपी कितना माना था, तो 2×29 कितना आ जाएगा, ये इस सवाल का उत्तर। ये सब घटिया घटिया क्वेश्चन भी आ, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन था ये। और हमारा सीवन तो मुझे लग रहा है ऐसी चुटकियों में ऐसे बता देगा, ऐसे कहते ले। तुम्हें टेस्ट के लिए देते, तुमसे होना रहे लल्ला ये क्वेश्चन, क्या करोगे तुम, हर चीज में हमको बुलाओगे का है? कहा मिटा दें कर्सर, मिटा दो, देख लूंगा क्वेश्चन को। चलो भैया तू कह रहा तो मिटा देते हैं लल्ला। भाषा समझ में आनी चाहिए बस क्वेश्चन की, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है 98 पे भी। अ पर्सन परचेज वन हॉर्स एंड वन मेयर इन रुपीज 9,500। He sold horse at 4% profit and mare at 6% profit. Then overall get 4,000 profit. Find the cost price of horse. ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, वैसे एग्जाम में भी आया। एक व्यक्ति 95,000 रुपये में एक घोड़ा तथा एक घोड़ी खरीदता है, वह घोड़े को 4% लाभ पर, ये तो क्वेश्चन ही निकालता लड़का, बैठा हुआ आलस में, तभी तो मैं लिखवाता हूँ, मुझे पता आ जाए तो आलस में हो जाते, लिखेंगे नहीं घर जाके भी, क्योंकि तुम्हारा काम बढ़ जाता है। अब घोड़े को 4% लाभ पर, घोड़ी को 6% लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर 4,000 रुपये का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य याद करें, किस किस को आता है। जो बता देगा उसको 10 पैसे की टॉफी नाम है, 1 रुपये की 10 जो आती है मिलेगी तो मैं ला के दे दूँगा, सत्येंद्र की दुकान पे होगी। बिल्कुल ठीक है। इससे एक बात पता है क्या जाहिर होती है, इधर ध्यान दो सारे, इधर इधर लिसन टू मी, ये सेम क्वेश्चन सेम चैप्टर पढ़ाया हुआ मैंने सिंपल इंटरेस्ट में, इससे बोला कि 95,000 रुपये में एक व्यक्ति
एक पार्ट को 4% साधारण ब्याज पर देता है, दूसरे व्यक्ति को शेष भाग 6% पर देता है। दोनों से कुल मिलाकर एक साल के बाद साधारण ब्याज 4,000 रुपये आता है। तो पहले वाले भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, 2 साल का 8,000 आता है, 3 साल का 12,000 ऐसे लिख देता। पहले तो साल को कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर सिंपल उसमें दे रखा है प्रॉफिट लॉस में तो सिंपल देगा एक ही साल वाला ब्याज। और सेम क्वेश्चन कराया भैया मैंने, ये कराया नहीं कराया, देखो आपको याद होगा सिंपल रिटर्न्स में कि एक भाग को 4% पे और दूसरे को 6, तो 6 को हम ऐसे लिखते थे, नहीं लिखते थे इसके बराबर एक को, तो दोनों को अगर हम 4% पे देते तो ये बताओ मुझे ज़रा 95,000 का 4% कितना होता। आप कहते हैं सर 3,800 रुपये, लेकिन इसने आया कितना, कितना ज़्यादा, ये ज़्यादा क्योंकि ये कितने परसेंट ज़्यादा है, तो ये 2% की वैल्यू 200, तो एक की वैल्यू और अपने आप में कोई चीज़ कितनी होती है, तो 100 की वैल्यू, यानी ये 10,000 रुपये आ गया। और 6% वाला इसमें से 10 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या था और ये जो पूछता बताओ। सेम कॉन्सेप्ट भी करा, इसका मतलब पता क्या होता, हम रिवाइज नहीं करते चीज़ों को, हम लिखते ही नहीं है चीज़ों को, पेपर में आएगा तो हम बोलेंगे सर आपने नहीं पढ़ाया था। और हमेशा मैं बार बार पेपर की बात इसलिए बोलता हूँ, पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है, प्रैक्टिस सेट मारो, प्रैक्टिस सेट करो, लेकिन नहीं करेंगे हम, सामने कसम खा के बैठे हम तो पढ़ेंगे, तेरे अंदर हिम्मत है, और थोड़ी दूसरी भाषा में बोलो तेरे पिताजी के अंदर हिम्मत, हमारी नौकरी लगा के दिखवाए, हमने तो कसम खा ली है ना कि तेरे अंदर हिम्मत है तो नौकरी लगवा के देगा, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों काजल नालायक छोटा भीम देखता हूँ मैं, देखता हूँ उसमें कितनी तेज पावर चलती है, बेसन के लड्डू खाते हो एक बार पावर इतनी आ जाती है, तू तो रोज खा सकता है नालायक, पावर कितनी आ जाएगी देख, अब पढ़ने की तो पावर आ गया, पढ़ाई में भी आ जाती है, उसका दिमाग तेज चलता है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, देख रहे तेरे से उम्मीद नहीं थी मुझे, टी शर्ट पे लिखा ना शुरू में तो ऐसा ही था सीरियस, अब भी सीरियस है, लास्ट वाला सीरियस, पहले वाला सीरियस का मतलब पढ़ाई में सीरियस था, और अब लास्ट वाला सीरियस है किसी और चीज़ में सीरियस है, ये नहीं पता वो चीज़ है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, 1899 99 लिखे, ए पर्सन परचेज 5 horses and 7 mares इन रुपीज 58,500 एंड सोल्ड हॉर्स एट 10% प्रॉफिट एंड मेर एट 16% प्रॉफिट, देन ओवरऑल गेट 7,110 rupees प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 horses plus 3 mares। भाई वाह इतना घटिया क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 58,500 में 5 घोड़े तथा 7 घोड़ी खरीदी, वह घोड़े को 10% लाभ पर तथा घोड़ी को 16% लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे इंग्लिश में ठीक दे रखा है, हिंदी में गलत छपा हुआ है, हिंदी में गलत छपा हुआ इंग्लिश में ठीक है, कुल मिलाकर उसे 7,110 रुपये का लाभ होता है, इंग्लिश वाला वर्जन ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 horses plus 3 mares, तीन तो बताना आपको 2 घोड़े और 3 घोड़ी का मूल्य कितना होगा, बता दो। सात हजार एक सौ दस इंग्लिश में लिखा हुआ वो ठीक है, बता दो इंग्लिश वर्जन ठीक है माई डियर, आई एम जस्ट टेलिंग टू यू माई डियर, लिसन टू मी, बट आई एम सेइंग टू यू, यू आर सो ब्रिलियंट बॉय, एवरीवन से अबाउट मी योर सेल्फ, सत्येंद्र इज ए गुड बॉय, ही नो एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स जीके जीएस इन कंप्यूटर इन एवरीथिंग, इज ए जीनियस गाय, हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी मजाक करने की आदत है ना, नाला तू सीरियस मत हो। मिटा दें
हाँ सर मिटा दें। जी पांडे जी मिटा दें, कराने की जरूरत है। देखो 58,500 में क्या क्या खरीदता है वो, अरे बताओ। 5 ओर्स और 7, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है घोड़ों को और घोड़ी को, तो इसको भी 10+6 ले ले, घर की बात है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिखे, हमारा बोर्ड, हमारा मार्कर, हमारा सब कुछ, तो इसका 10% का 10 कम हो जाएगी भाई, वाह। और टोटल प्रॉफिटमेंट का इंग्लिश वाला लेना है तो बचा कितना, इस 6% की वैल्यू 1260, तो 1 की वैल्यू 210 और 100 की भैया 21,000, तो वैल्यू यहाँ आ गई 7 घोड़ों की, और 21,000 इसमें से घटाएंगे तो 5 की कितनी आ गई घोड़ों की, 5 घोड़ों की इतना है, तो भैया एक घोड़े की 5 से डिवाइड कर देना ज़रा, यहाँ लिख देता हूँ 5 कोर्स की वैल्यू है 37,500, तो एक की कितनी होगी 5 × 7 = 35, 2 = 7500। घोड़े कितने लेने क्वेश्चन में, तो 2 घोड़े प्लस 3 मेयर की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू 7500, तो 2 × 7500 = 15,000 और 7 घोड़े की 21,000, तो एक घोड़े की 3,000, और घोड़े कितनी है 3 है ना, तो 3 × 3 = 9,000, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो भैया ये सवाल का उत्तर। बोलो कुछ दिक्कत है, फिर काहे घबरा रहे हो, ये आजकल के क्वेश्चन है, आजकल के क्वेश्चन मतलब अभी जो प्रीवियस ईयर गई उन पेपरों के क्वेश्चन हैं, हाँ पेपर में मिल रही, किताब में भी छप के आएंगे भाई। बाकी तुम्हारा सक्षम बैठा है, कोई भी चीज़ इससे पूछ लो, कभी भी मना कर देगा नहीं आएगी तो फिर कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अभी क्वालिटी गारमेंट चले भैया इसमें से घटाएगा तो कितना आएगा, पिछले क्वेश्चन वाला है तो सेम कॉन्सेप्ट है यार, घटाने के बाद ये ज़्यादा इसकी वैल्यू है, तो एक की वैल्यू, और कोई भी चीज़ अपने आप में तू भी 100% है मैं भी 100% हूँ, तो 100 की वैल्यू 21,000, ये 21 आ गया, इसमें से 21 घटाएंगे तो 37,500 हो जाए। सेंचुरी पूरी करें, लगा दे शतक, फिर सर मिटा दो, अरे भाई तू कह रहा तो ले, नहीं तो मैं मिटाता नहीं भाई। नहीं शतक की बात करते हैं, अब सेंचुरी मारने की बात करते हैं, कह रहा भैया अ पर्सन परचेज 2 हॉर्स इन रुपीज 15,500, ही सोल्ड फर्स्ट हॉर्स एट 23% लॉस एंड सेकेंड एट 27% प्रॉफिट, देन ओवरऑल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स। 2 घोड़े 15,500 में खरीदता है, पहले घोड़े को 23% हानि पर और दूसरे घोड़े को 27% लाभ पर बेचता है, पूरे सौदे में से ना लाभ होता ना पहले घोड़े का क्रय मूल्य बता दो। थोड़ा सा चेंज हो गया अब क्वेश्चन,
काजल बताइए, बता काजल। तुषार, विकास, साहिल, अरुण, आनंदम, सक्षम, शर्मा जी, ये भी नहीं आ रहा ना पार्वती, डस्टर फेंक के मार दूं। अरे डूम मरो, देखो पहले घोड़े को कितने परसेंट हानि पर, दूसरे घोड़े को प्लस का मतलब प्रॉफिट माइनस का था, तो नो प्रॉफिट, 27 में से जीरो गया, जीरो में से माइनस 23 गया, 27 और 23 50 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू, और पहले का पूछा तो 310 को यहाँ गुणा कर देंगे तो जीरो 27 एकम 27, 27 से 81 दो है ऑप्शन में, आगे आंसर। खरे ये भी नहीं आ रहा, बताओ भैया, मैं कुछ कर बैठूंगा, मैं तुम पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते तुम। एक वीक में एक टेस्ट मुझे यहीं करवाना पड़ेगा, किसी एक दिन की छुट्टी करके, जैसे तुमने छोड़ दिए पेपर करने, ग्रुप में भी जो भेजा जाता था तो मजाक करते थे, आगे क्वेश्चन ढूंढते थे कि कौन सा पूछा जाए, जो अच्छा लग रहा पूछ लो, ये अनुभव हो जाएगा मास्टर को, ये हम क्वेश्चन करते हैं। सच बताओ कौन कौन ऐसा धोखा देता था, साहिल, जो सच सच बताएगा भगवान उसकी नौकरी इसी बार दिल्ली पुलिस में 100% लगवाएगा, SSC में 100% लगवाएगा, जिस आपकी तैयारी करो, NTPC 100%, जो सच बताए किसने धोखा दिया है, चलो आगे बढ़ते। 101, अ पर्सन परचेज टू हॉर्स इन रुपीज 15,500 एंड ही सोल्ड फर्स्ट हॉर्स एट 23% लॉस एंड सेकेंड एंड 27% प्रॉफिट, देन ओवरऑल गेट 310 रुपीज प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स। कल एक टेस्ट पेपर दूंगा NTPC का, अब एक वीक में एक NTPC कराया करूँगा। एक व्यक्ति दो घोड़े 15,500 में खरीदता है, वह पहले घोड़े को 23% हानि पर, दूसरे को 27% लाभ पर बेचता है, पूरे सौदे में 310 रुपये का लाभ हुआ, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। इससे पिछले क्वेश्चन में जीरो था, इसमें रुपये दे दिए, तेरे को ये कुछ नहीं हुआ, घड़े हैं बिल्कुल। टी शर्ट अच्छी लग रही है, क्या बात, स्मार्ट लग रहा आज। सच पता कैसे किया, बिल्कुल ठीक आंसर, बिल्कुल ठीक है भाई, शाबाश, बहुत प्यारा लड़का। मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा ना दिमाग तेज है, लड़का मेहनत करता है, बस घर वाले इसको सोने नहीं दे रही, घर वाली फोन पे लगी रहती रात भर, तो क्या करेगा, फैक्ट्री में बैठा बैठा बात ही करता रहता है वहाँ। देखो पहले घोड़े को कितने परसेंट पे, अरे बोलो, 23% हानि पे, दूसरे को लाभ, अब ये परसेंटेज में है और टोटल लाभ कितना होता है, ये रुपए में है, तो इसको भी परसेंटेज में कर लो, 310 रुपये लाभ किस पे होता है, गुणा
कितने परसेंट आ गया, तो 2% यहाँ रख दो भैया, हटा दे इसको बात को, 2% बस। 27 में से 2 गया, 2 में से -23 गया, अरे 2 में से -23 गया, प्लस हो जाएगा 25। तो रेशियो कितना है, 2 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 की मतलब आधी निकाल दो, 7,700। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पता साहिल क्या करे, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा था, अल्लाह शर्म कर लो तुम लोग, क्या कह रहे। बता दें, चलो 102 नंबर। बेटा तुम लोगों की प्रैक्टिस में कमी है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं मार रहे तुम लोग, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। एक एक चैप्टर में दोबारा से देता हूँ तुमको, मैं देता हूँ होमवर्क, तुम कैसे नहीं करते हो, दिवाली तुम्हारी मैं देखता हूँ कैसे, 4 दिन की छुट्टी देता हूँ मैं, 3 दिन की। अरे हम तेरे को करवाएंगे ना, कहाँ से हम देंगे तेरे को क्वेश्चन, अलग अलग सब्जेक्ट के देंगे, अब अलग अलग चैप्टर। अ पर्सन परचेज 2 हॉर्स इन ₹96,000 एंड ही सोल्ड फर्स्ट हॉर्स एट 4/5 ऑफ CP। मैं अपने व्हाट्सएप से पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे को तुरंत मिल रहा है। एंड सेकेंड एट 5/4 ऑफ CP, देन ओवरऑल गेट ₹9,600 प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स। एक व्यक्ति 2 घोड़े 96,000 रुपये में खरीदता है, पहले घोड़े को 4/5 CP पर, दूसरे को 5/4 CP पर बेचता है, उससे 9600 रुपये का लाभ होता है, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, बता दो। गुस्सा आ रहा है बालक को, गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा दोबारा से। गुस्सा है अपने तक काबू रखे, पड़ोस में कौन ही मार दे, इसके लग गए तो झेल लेगा, इसके लग गए झेल नहीं पाएगा, गुस्से में ऐसे मार दे वो झेल नहीं पाएगी बेटा, वैसे ही तबीयत खराब रहती है उसकी, कमजोर सी लड़की है, विकास तो झेल लेगा मारेगी खींच के। अच्छा इधर देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, तो CP भी कितना है, 100%, 100% है ना, तो पहले का CP 100 का 4/5 कितना होगा ज़रा बताना, 80। दूसरा 100 का कितना है, 5/4 कितना होगा, 125। और टोटल प्रॉफिट किस पर हुआ ये, तो कितने परसेंट होगा, ये 100 की चीज़ कितने में बेचेंगे, क्या ये बात समझ में आएगी, बीच की हटा देते हैं इसको, बस घटा दो उसमें से, 125 में से 110 गया, 180 में से गया, रेशियो टोटल 3 की वैल्यू, तो भैया 1 की 32,000 और 2 की 32,000 भी आ रहे हैं और तुम घूम रहे हो, बस वो 4/5, 5/4 देख के खून आ गया होगा, भाई मम्मी क्या पूछ रही है ना, ऐसे हम एक 103 तक कराऊंगा आज, फिर 104 से बचेंगे सिर्फ 2019 के 10+2 के और CAGL के और सब इंस्पेक्टर के, 103 तक 17-18 के पूरे हो गए।
19 में जो भी पेपर होते हैं सबके क्वेश्चन है 104 से। मिटा दें एक सौ तीन नंबर, ये तो कराने की जरूरत भी नहीं, ऐसे कर लिया हो तुम लोगों ने। पर्सन परचेज टू और सेट रुपीज 40,000 ईच, ध्यान रखना ईच है ये, यानी एक 40,000 का तो दो 80 के। ही सोल्ड फर्स्ट सेट 50% प्रॉफिट, सेकेंड ही सोल्ड ऑन लॉस, देन ओवरऑल गलत 3,600 रुपीज लॉस। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स। एक व्यक्ति दो घोड़े 40,000 रुपये प्रत्येक घोड़े की दर से खरीदता है, उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर किंतु दूसरा घोड़ा हानि पर बेचता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हानि है तो हानि देख लेंगे। यदि पूरे सौदे मुझे 3600 रुपये का लाभ हानि होती है तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य निकालो। तो 3600 रुपये दे रखी दादा, देख ले भैया, नींद में नहीं है क्या? उम्मीद नहीं बता तुम लोगों से मुझे वैसे। देखो पहले का भी सीपी और दूसरे का भी सीपी कितना है भैया? पहले को कितनी परसेंट प्रॉफिट पर? तो 40,000 का 15% कितना होगा? 6,000 होगा। दूसरे को बेचता है लॉस परसेंटेज पे, हमें नहीं पता कितने लॉस पर बेच रहा है, लेकिन टोटल इस दोनों पूरे सौदे में उसको ये एसपी है, ये प्रॉफिट मान लो पूरे सौदे में उसे कितने का लॉस होता है? 3600 रुपये का लॉस होता है। तो यानी देखो यहाँ तो 6,000 का फायदा है उसको, और अगर लो फायदा होता तो ये भी जुड़ता, तो ये 6,000 भी इसमें से कम करने पड़ेंगे और 3600 यहाँ कम करने पड़ेंगे, तो टोटल कितना कमी हो गई? तो बेचा कितने में होगा? 40,000 में से 96 से घटा दो, खत्म। बात समझ में आ गई भैया? 6,000 का प्रॉफिट, देख मान ले तू एक चीज़ 40 की तू खरीदता है, 40 की तू खरीदता है, तो तुम दोनों ने मिला के कितने में खरीदी? 80 में। इसने तो 15% प्रॉफिट ले लिया था, कितने में बेच दी? 6,000, तो टोटल कितना हो गया? 46,000 रुपये। तेरह को और इसको दोनों को मिला के 3600 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 3600 की। तो 3600 की हानि हुई है तो तेरे 40,000 वाली चीज़ कितने में बिकी होगी? 3600 कम में, और 6,000 रुपये इसका फ़ायदा था वो भी कम में हुआ होगा, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों कम कर दिया, हटा दिया। बेसिक सी कॉन्सेप्ट है मैथ, मतलब बेसिक, सो बेसिक चीज़ें। अब बताओ 104 से पढ़ा दूँ या फिर कुछ टेस्ट वेस्ट दूँ?
ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दादा, 104 को तो मैं 19 के क्वेश्चन है 104 से। चलो भैया फिर एक वैसे अभी 35 मिनट आप लोगों को टेस्ट दे देते हैं बेटा, पढ़ लिया अगर घर पे, ऐसी नौबत नहीं आएगी जिंदगी में कभी भी, पढ़ लेगा तो ना कटवा रहा तू मेरी भी।